हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। सो मैंने आपके कार्ड्स प्री शफल करके रख लिए हैं। लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वांड्स एंड द टावर। सजिटेरियस, मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज से तंग आ गए हैं, किसी चीज का बोझ ढोते ढोते, और आपने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया पिछले कुछ समय में, जो वो अपने आप को शो कर रहे थे वो नहीं निकले। ओके, आपसे गलती हो गई लोगों को पहचानने में पास्ट में, और इस वीक में भी अगर कोई नया आता है तो आप अटेंशन पे करें, क्योंकि अगर आप अटेंशन नहीं देंगे, ध्यान से नहीं देखेंगे डिटेल्स में, तो अगेन कोई इसी तरीके का छलावा कर सकता है आपसे, और इसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। द टावर, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे चीज लोगों के लिए कुछ खत्म हो रहा है। टावर देख रहे हैं, ध्वस्त होता हुआ, कुछ ऐसा जो आपने लंबे समय से बिल्ड किया था। आप अपने रिलेशनशिप को गौर से देखिएगा, कुछ भी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। रहने का या छोड़ने का, दोनों में से कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हालांकि टेन ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके फैमिली में और आपके आसपास का माहौल अच्छा रहने वाला है। पेंटिकल्स से आप वर्क फ्रंट पे भी अच्छा करेंगे, और ये सारी चीजें मुझे शो हो रही है। आपके पास सारी वो चीजें रहेंगी जो आप विश कर रहे थे, एक्सेप्ट आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, या फिर किसी तरीके की डिटेल आप मिस कर सकते हैं। किसी चीज को ऊपरी ऊपरी देख के मत कीजिए, डिटेल में जाइए इस वीक में। फाइव ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स एंड द फूल। ओके, तो यहाँ फाइव ऑफ वांड्स आप देख रहे हैं, और यहाँ पे द फूल का भी कार्ड है। इसका मतलब होता है बिना मतलब की लड़ाई, शैम फाइट्स। ऐसे रीजंस के लिए आप दूसरों से लड़ जाएंगे जो रीजंस वाकई में वैलिड नहीं है। और द फूल मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आपके अंदर टेंडेंसी होगी लोगों की बातों पर भरोसा करने की। ओके, मे बी आपके पार्टनर के बारे में आपके कोई कुछ ऐसा बोले जो वाकई में सही नहीं है। सो आप थोड़ा ध्यान रखिए, हर किसी की बात को आपको ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे नाइन ऑफ वांड्स मुझे दिख रहा है कि आप चाहे तो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, सेफ रह सकते हैं। ओके, और आपको आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं, आपका रीजन सही होना चाहिए, नहीं तो आप गलत तरीके की फाइट्स में उलझ सकते हैं किसी के भी साथ। ओके, इवन ये केस ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे, जिसके वजह से आप अपनी फैमिली से लड़ जाए या फ्रेंड से लड़ जाए, और ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से लड़ जाए। तो इस समय आप ध्यान रखिए कि कौन क्या बोल रहा है, हर चीज को आपको डिटेल में लेके चलना है, और क्योंकि कोई ना कोई तो इस समय अपने आप को फॉल्स दिखाएगा जो वो नहीं है। आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कोई आपका फैमिली मेंबर या फ्रेंड ऐसा कुछ बोल सकता है जो कि एक्चुअली में नहीं है, एक धोखे की बात है, और इसके चलते आप लड़ जाएंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वांड्स। ओके सजिटेरियस, इसके बगल में ठीक फोर ऑफ सॉर्ड्स, इसका मतलब यह है कि पहले आप लड़ लेंगे अच्छे से इस मिसअंडरस्टैंडिंग पे, उसके बाद फिर रिग्रेट करेंगे कि ओ मैंने क्या कर दिया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, चीजें कितनी परफेक्ट थी। एस ऑफ पेंटिकल्स बगल में है, मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स खो दिया, मैंने सही आदमी की एडवाइस ट्रस्ट नहीं की। इस तरह की चीजें या इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आ सकती है, आप किसी को भी गलत ले लेंगे, उसके बाद फिर रिग्रेट करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि जो चीज आपको मिल रही थी वो एक ब्लेसिंग थी, और आपने इसको मिसअंडरस्टैंडिंग में गवा दी। द फूल का कार्ड आप इधर देख रहे हैं, ठीक है ना, आपकी आंखों पे पर्दा पड़ सकता है किसी के झूठ का, एंड आप इस तरह का कोई एक्शन ले सकते हैं। अगेन थ्री ऑफ वांड्स इन रिवर्स, आपके लिए
चीजें इस वीक में थोड़ी मुश्किल होगी मूव करना, ठीक है। और बट येट आप अगर यहां से मूव करने का डिसाइड करते हैं तो आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन आपके अंदर एक अंदर से टेंडेंसी रहेगी, आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हैं। ओके, आप हर चीज को लेके लेजी फील करेंगे, चाहे आपके घर का मैटर हो, डेली लाइफ का मैटर हो, या फिर किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने का, आपको लगेगा थिंग्स कैन वेट। ओके, वेट करने दो, वेट चलता है इस तरह की चीजें, और मुझे लगता है कि वो आपके अच्छे के लिए ही है एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप ज्यादा ना सुने, ज्यादा ना बोले, वही अच्छा है इस वीक में। अगेन टेन ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बहुत अच्छा है, और थ्री ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लग रहा है कि आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं विद दिस टेन ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए फैमिली का माहौल बहुत लाइवली हो सकता है, बहुत सारे साथ में मूव करने का सोच सकते हैं जो सजिटेरियन कपल्स होंगे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स चेक एन ओरेकल कार्ड फॉर सजिटेरियस, मैसेजेस फॉर सजिटेरियस फॉर द थर्ड वीक ऑफ मार्च, मैसेजेस फॉर सजिटेरियस थर्ड वीक ऑफ मार्च, होली एमेथिस्ट, डिवाइन अल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। ओके, ये आपकी रीडिंग के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस, तो आपके सामने अभी चैलेंजेस है, जो लोग आपको फेक फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एस ऑफ पेंटिकल्स है और टेन ऑफ पेंटिकल्स है, तो दूसरों की नजर में आपकी लाइफ काफी अच्छी दिखेगी लोगों को इस वक्त, और वो इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेंगे, तो इन चीजों को आपको देखना है, ये आपके लिए चैलेंज होगा कि आप ये पहचाने कौन गलत है कौन सही है, नहीं तो आपका किया कराया सब पानी में फिर सकता है। टावर जो गिर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे शैम फाइट्स दिख रही है मुझे, यूजलेस फाइट्स, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने की, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, आपको ये फोकस करना पड़ेगा इन सारे केओस में से, सारे ड्रामा में से, कि आपको क्या चाहिए, आप अपने कहीं पॉइंट से, आप अपने कहीं एम से ना हट जाएं इन सब ड्रामास के बीच। ओके, सो ये रीडिंग ओवरऑल अच्छी थी थर्ड वीक के लिए, आई होप यू एंजॉय द रीडिंग, आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।